कहानी लीली की जुबानी। 19 साल की उम्र में मैं पढ़ाई के लिए पहली बार अपनी मम्मी डैडी से दूर सिएटल में आई थी, लेकिन पहली रात ही मेरे अपार्टमेंट में एक ऐसा हादसा हुआ, कोई उसमें घुसकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। पता चला हमारे परिसर का मालिक और कोई नहीं बल्कि मशहूर यंग बिलीनियर आदित्य माथुर है। मैं इतनी डरी हुई थी, आखिरकार आदित्य ने मुझे अपने घर पर रहने को बुलाया। अब समस्या यही थी कि मुझे किसी मर्द के साथ यूं अकेले रहने की आदत नहीं थी। कॉलेज के पहले दिन ही शाम को आदित्य के ऑफिस में आना मेरा प्लान नहीं था, लेकिन प्रोफेसर ने कहा था कल ओपन क्विज होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ कुछ किताबें ढूंढना चाहती थी। आशा और माया ने कहा था प्रोफेसर ऐसा सवाल पूछते हैं जो टेस्ट बुक में मिलना मुश्किल है, शायद आदित्य मुझे कुछ किताबें उधार दे सके क्योंकि वह खुद ही सफल बिजनेसमैन है। आदित्य कमरे में बैठा बैठा काम कर रहा था, हालांकि ऑफिस के कपड़ों में नहीं था बल्कि एक ब्लैक शर्ट पहना हुआ था। मुझे माफ करना, मैंने कहा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पर मुझे किताब चाहिए। आदित्य अपनी सीट में खड़ा होकर मेरे पास आने लगा, पूछा क्या किताब चाहिए तुम्हें। मैंने कहा बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो वह किताब की एक शेल्फ की तरफ बढ़ने लगा। जब उसने मुझे जरूरत का किताब निकाल कर दिया, उसे खोलकर मेरा मुंह उतर गया क्योंकि वह काफी मुश्किल किताब लग रही थी। आदित्य ने कहा मैं कोई रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी टाइम है, अगर तुम चाहो तो बुक के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। यह सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। एक सफल बिजनेसमैन मुझे पढ़ाना चाहता है। जब मैं अविश्वास के साथ आदित्य की आंखों में देख रही थी, उसकी अंबर आंखें मुझे सम्मोहित करने लगी। उसकी आंख का रंग मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। मेरे अंदर से आवाज आई, तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लिविंग रूम में बैठे बैठे 15 मिनट में आदित्य ने मुझे पूरा समझा दिया, जिससे मैं अवाक रह गई। पूछा कहाँ से इतना सीखा तुमने। उसने कहा कुछ मेरे पापा ने बताया और कुछ कम उम्र से काम करते हुए मैंने सीखा। एक और सवाल मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा आर्ट्स के बारे में, जिससे एक पल के लिए आदित्य जम गया लेकिन फिर मेरी ओर देखा। मैंने कहा सबको पता है तुम बहुत महान आर्टिस्ट हो, क्या तुमने कभी कला को करियर बनाने का नहीं सोचा। उसकी चुप्पी को देखकर मुझे लगा मैंने शायद कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल सवाल पूछ लिया, लेकिन फिर वह कहा कला मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं उसे अपने जॉब या करियर के हिसाब से नहीं देख सकता। और तुम्हारे बारे में क्या, उसने पूछा। मैंने कहा मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, यहाँ का कोर्स पूरा करना चाहती हूँ। उसने कहा तुम जितना दिन चाहे यहाँ रह सकती हो। मैंने कहा अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो उन्हें लगेगा मैं बहुत बड़ा काम किया। अगर मेरे डैड इतने ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होते तो मैं उनसे यह बात कभी नहीं छुपाती। आदित्य ने कहा उन्हें दोष मत दो, मैं और मेरे पापा भी लूना के बारे में ऐसा ही करते। फिर उत्सुकता बस उसने पूछा तुम्हारे पापा कितने प्रोटेक्टिव हैं। मैंने कहा बहुत ज्यादा, हर जगह मेरे साथ ड्राइवर को भेजते थे, लड़कों से बात करना मना था। उसने पूछा क्या लड़कों से बात करना मना है। मैंने कहा हाँ, लेकिन कॉलेज में किसी लड़के से बात करने से भी मना किया है। यह तो नामुमकिन है, आदित्य ने फुसफुसाया। सही कहा, लड़के ऐसे भी तुमसे बात करेंगे। अब मैंने पूछा तो क्या मुझे पापा के यह रूल माननी चाहिए, मेरा जिससे मन हो उससे बात कर सकती हूँ ना। उसने कहा हाँ जरूर कर सकती हो, पर फिर उसे मेरे पास लेकर आना। इस बात से शांति फैल गई। अचानक से मुझे एहसास हुआ मेरे गाल लाल होने लगे। इस बात से मैं अवाक रह गई थी। वह मेरी तरफ देखकर कहा यही बात मैंने लूना से कही थी। आदित्य के चेहरे पर मनोरंजन छा गया और वह मुंह दबाकर हंसा। जब उसने मेरा यह रिएक्शन देखा, कहा तुमने देखा ना लिली। वह रुका और मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरे ब्लश को देख लिया। सोचने लगी क्या यह मुझे चिढ़ा रहा है। उसने कहा मैं सोचता हूँ कि तुम्हें पता है कि तुम्हें लड़कों से दूर क्यों रहना चाहिए, क्योंकि मैं लड़कों को देखकर ब्लश करती हूँ। लेकिन उसके बाद आदित्य काम में वापस चला गया। कहा अगर तुम कुछ जरूरत हो तो काम के बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उसका इंतजार करती रही, आदित्य नहीं आया। आखिरकार मैं अपने लैपटॉप में मूवी देखने लगी। कई बार उसके ऑफिस की ओर देखा, पर शायद वह अपने काम में थक गया होगा। कहानी आदित्य की जुबानी। मुझे काम खत्म करते करते 11 बज गए। पिछले 2 सालों से मेरी यही हालत बन गई है, मैं समय का ध्यान रखना भूल जाता हूँ। जब मैं लिविंग रूम में आया, मैंने
मैंने देखा लिली नीचे बैठी हुई है और अपना सर टेबल पर रखकर सो रही है। चारों तरफ पेपर बिखरे हुए हैं। लैपटॉप में किसी मूवी का साउंड आ रहे थे। हे भगवान, मैं इतना काम में बिजी था कि मैं उसे किया हुआ वादा भी भूल गया कि उसकी मदद करूंगा। उम्मीद करता हूँ वो मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। लैपटॉप के साउंड से मेरा ध्यान मूवी की ओर खींचा और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसमें एक मैच्योर सीन चल रही थी और एक लड़की की सिसकी की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने देखा उसके हाथ में कागज था, उसमें लिखा हुआ था, आदित्य मुझे पढ़ाओ। मेरे नब्ज तेजी से चलने लगे। उसके लैपटॉप को बंद कर दिया। यह करने के बावजूद भी मेरा दिल सीने के अंदर तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसकी सारी पेपर्स देखा। इस लड़की ने काफी अच्छा काम किया है। मैं उसमें और कुछ जोड़ दिया ताकि वह बाद में देख ले, और उसके बाद मैंने उसके हाथ से पेन लेकर रख दिया। और उसे इस हालत में नहीं सोना चाहिए, लेकिन अगर वह अपने आप को अचानक अपने बेडरूम में पाएगी वह भी गलत होगा। इसलिए मैंने उसे अपने हाथों से उठाया और सोफे में ही सुला दिया और कंबल उड़ा दिया। उसे इस हाल में देखकर मेरे अंदर कुछ होने लगा था। यह शायद लूना की उम्र की होगी या उससे भी छोटी। इसी वजह से मैं उसकी मदद करना चाहता था, उसकी हिफाजत करना चाहता था। कहानी लिली की जुबानी। जब मैं क्लास खत्म होने के बाद घर आई, मैं आदित्य को ढूंढने लगी। कल उसकी वजह से मेरी क्विज कॉन्टेस्ट अच्छा गया था। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, पर पता चला कि वह अब तक नहीं आया है। पर फिर मैं स्विमिंग पूल में आ गई, स्विमिंग करने लगी। और उसके बाद जब मैं ड्रेसर में बैठकर अपने बाल सुखा रही थी, झटके से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरी माँ की बटरफ्लाई इयररिंग जो मैंने बाएं कान में पहना था वह गायब था। जल्दी से मैं उसे इधर उधर ढूंढने लगी, पर वह मुझे कहीं नहीं मिली। मैं बेहद घबरा गई। तभी आवाज आई, लिली। यह आदित्य की आवाज थी। तुम यहाँ पर हो? पर मेरा दिमाग कहीं और था। मैंने कहा, आ जाओ। आदित्य ने कहा, मैंने यादव जी से और अशोक से सुना तुम मुझे ढूंढ रही थी। मैं तो उसे शुक्रिया अदा करना चाहती थी, पर फिलहाल मैं कारपेट में उसे ढूंढ रही थी। आदित्य ने पूछा, क्या बात है? कांपते हुए आवाज में कही, वह चला गया। उसने पूछा, क्या चला गया? मेरी कान की इयररिंग। मैंने कहा, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, शांत हो जाओ। तुमने आखिरी बार उसे कहां देखा था? मैंने कहा, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वह कोई मामूली इयररिंग नहीं था, मेरे ग्रैंड मॉम ने मेरी माँ को दिया था। मेरे पेरेंट्स के लिए वह खास है। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसे हमेशा के लिए खो दिया। तभी आदित्य ने मेरे गालों में हाथ रखा, ने अपना सर एक तरफ झुकाया और मेरे बालों के गुच्छे को कान के पीछे किया ताकि मेरा दूसरा कान का जोड़ा देख सके। और उसके इस हरकत से मैंने अपनी सांस रोक ली। क्या यह बटरफ्लाई रिंग था? वह मेरे इतने करीब आकर देखने लगा कि उसकी सांसों को मैं अपनी त्वचा में महसूस करने लगी। कुछ पल उसे देखकर वह पीछे हटा और अपने अंबर आंखों से पूरे विश्वास के साथ कहा, फिक्र मत करो, यह मिल जाएगा। कहानी आदित्य की जुबानी। सुबह सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था। मैंने नौकरानी से पूछा, क्या अभी तक नहीं मिला? उसने ना में इशारा किया। लिली के रोने वाला चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। मैंने कहा, हर एक जगह अच्छे से ढूंढो। उन्होंने सर हिलाया और तब तक यादव जी सामने आ गए। मैंने पूछा, लिली कहाँ है? उन्होंने कहा, लिली का सुबह का क्लास है, लेकिन उससे पहले वह पूल में देखना चाहती है। मैंने त्योरी चढ़ाई, पूल में? जल्दी से पूल में आया, देखा लिली वहाँ खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे देखते ही कहा, आदित्य अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है मैंने इसे पूल में खो दिया। उसने अपनी बैग को नीचे गिरा दिया, पूल की ओर देखने लगी। मैंने झट से उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम क्या करने जा रही हो? क्या पूल में कूदने जा रही हो? वो रोते हुए कही, तुम समझ नहीं रहे, इस इयररिंग का जोड़ा मैं नहीं खो सकती। एक के बिना दूसरा अधूरा है। मैं उसकी तरफ देखने लगा। मुझे लगा जरूर इयररिंग के पीछे कोई इतिहास छुपा होगा। मैंने उससे कहा, मैं संभाल लूंगा, इस हाल में तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। मजबूती से उसके कंधों को पकड़ लिया और कहा, लिली प्लीज। और वह मेरी आंखों में आंखें डाले अपनी जगह पर जम गई। मैंने जवाब दिया, कहा मैं इसे ढूंढ लूंगा। मैंने उसे समझाया कि तुम क्लास के लिए लेट हो रही हो, जाओ मैं ढूंढ लूंगा। उसे समझा बुझाकर मैंने भेज तो दिया था एक छोटा सा इयररिंग पूल के अंदर। क्या मैं उसे ढूंढ भी पाऊंगा? लिली को इस हाल में देखकर मेरे अंदर कुछ होने लगा था। मुझे लड़कियों को रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता, पर लिली को रोते हुए देखकर मेरे अंदर कुछ और ही हो रहा था। उसकी खूबसूरत आसमानी आंखों में आंसू की बूंदें नहीं गिरनी चाहिए। मुझे उसकी टूटी आंखें देखना मंजूर नहीं। मेरा जबड़ा टाइट हो गया। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और पूल को देखने लगा। आदित्य, अशोक की आवाज आई, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं,
चलो शेयर होल्डर हमारा इंतजार कर रहे हैं, मीटिंग को पीछे कर दो। मैंने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, उन्हें इंतजार करने को कहो। वह मेरी बात को हजम करने लगा। अशोक ने अविश्वास के साथ पूछा, क्या तुमने अभी कहा मीटिंग को पीछे कर दूं? तुम्हीं ने तो कहा था यह अर्जेंट है। मैंने कहा, हाँ इसे पोस्टपोन कर दो। अशोक ने कहा, ठीक है, और वहाँ से चला गया। फिर मैं अपनी शर्ट उतारने लगा। उधर से एक नौकर ने कहा, सर यह करने की ज़रूरत नहीं है, इस पूल को वैक्यूम कर देंगे। उसकी बातों को अनदेखा करके मैं पूल में कूद गया। मैं बार बार डुबकी लगा रहा था पर कुछ हाथ नहीं लग रहा था। मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था पर मैं लीली को और रोता हुआ नहीं देख सकता। उधर से अशोक की आवाज़ आई, आदित्य। पर मैं इतने गुस्से में था कि मैं बार बार डुबकी लगाने लगा। आखिरकार मुझे वह बटरफ्लाई रिंग मिल गई। मैंने अपने बाल सुखाए और रिंग को संभाल के रख दिए और लीली को मैसेज कर दिया। उसे तो मानो यकीन नहीं हो रहा था, वह पहले क्लास के बाद ही घर आने वाली थी। मैं शर्ट पहनकर इयररिंग को हाथ में लिया कि तभी दरवाजा खुला। क्या तुम्हें वह मिल गया? लीली ने पूछा। वह मेरे पास आई और जैसे ही मैं मुट्ठी खोलकर वह रिंग दिखाई, वह बिल्कुल अवाक रह गई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, हे भगवान, तुमने सचमुच ढूंढ लिया। मैं गर्व के साथ कहा, मैंने कहा था ना मैं ढूंढ लूंगा। मुझे एहसास हुआ मुझे खुद पर इससे पहले इतना गर्व कभी महसूस नहीं हुआ था। लीली ने मेरे हाथ से वह रिंग लिया और मुझे चौंकाते हुए मुझे बहुत कस के हक किया। वह इतनी खुश थी कि मुझे एहसास हो रहा था उसके कंधे कांप रहे थे और फिर मुझसे अलग हटकर कहा, थैंक यू। इतने प्यार से कहा कि मेरा सीना गदगद हो गया। जल्दी से आईने के पास जाकर उसने इयररिंग पहन ली और फिर जब मेरी ओर मुड़कर देखी, उस वक्त मुझे एहसास हुआ मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा था, जैसे मेरे सीने से निकल जाना चाहता हो। मुझे ऐसा लगा बाकी सब कुछ थम गया हो, लेकिन जब मैं हकीकत की दुनिया में आया, मेरे अंदर से आवाज आई, यह क्या कर रहे हो आदित्य? मैं अपने होम ऑफिस में काम में उलझा हुआ था, तभी दरवाजे पर आवाज आई। लीली ने पूछा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैंने कहा, आ जाओ। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पर मुझे कुछ किताब चाहिए। तुम अपना काम कर सकते हो। मेरा मतलब, क्या मैं किताब ले सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ जरूर। मैंने देखा वह सेल्फ में किताबें ढूंढ रही थी, लेकिन कल जो घटना हुई थी उसकी वजह से जो मेरे दिमाग में उसकी मदद करने का ख्याल आ रहा था उसे मैं दूर कर दे रहा था। पर वह बड़ी कंफ्यूजन के साथ देख रही थी, पर कल जो हुआ था मेरा दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था और मुझे एक अर्जेंट ईमेल भी भेजना था। जब मेरी नज़र लीली पर पड़ी, अब भी वह अपने होंठ काट रही थी और कुछ सोच रही थी। मैंने गहरी सांस ली ताकि खुद को शांत कर सकूं, पर मैं खुद को शांत क्यों कर रहा हूं? क्या मैं नर्वस हूं? मेरे नब्ज इतने तेजी से क्यों चल रहे हैं? जब दोबारा मेरी आंखें लीली पर पड़ गई तो मैं खड़ा हो गया, क्योंकि मैं अपने काम में मनोयोग नहीं दे पा रहा था। उसके करीब आते ही मेरे मुंह से सवाल निकला, क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? उसने कहा, मुझे मिल गया कौन सी किताब पढ़नी है, पर उसमें से चूज नहीं कर पा रही हूँ। अगर मुझे एक सीढ़ी मिल जाए तो, कहकर इधर उधर देखने लगी। मैं झुक गया जिससे वो चौंक उठी। कहा, तुम मेरे कंधे पर बैठ के अच्छे से देख सकती हो। शांति फैल गई। उसने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आ जाएगी? इस वाक्य को सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी देर वह चुप रही, लेकिन फिर मैंने उसके हाथों को अपने कंधे में महसूस किया। कहा, मुझे माफ कर देना। उसके स्पर्श से मेरे अंदर कुछ हलचल होने लगी। मैंने उसके थाई को अपने कंधे में सेट कर दिया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब वह अपनी आंखों के सामने किताबें देख सकती थी। वह अपनी चिंताएं भूलकर किताबें देखने लगी। अब जब वह मेरे कंधे में बैठी थी और बहुत ही छोटी शॉर्ट्स पहनी थी, तो उसके खाली जांघ जो मेरे गर्दन के पास थे उसके बारे में मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। जंगली सोच की वजह से मेरा सीना एकदम टाइट हो गया। मैं उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर जितना मैं अपने दिमाग को काबू में नहीं कर पा रहा था उतना मैं चंचल होता जा रहा था। उसकी परफ्यूम की खुशबू भी मदद नहीं कर रही थी। लीली ने एक किताब लेने के लिए अपना हाथ जैसे ही बढ़ाया, उस समय मुझे उसके स्वेटर के नीचे जो है नजर आने लगा। शिट! जैसे ही मैं अपनी आंखें हटाकर अपना गला साफ करने लगा और उसकी थाई को पकड़ा,
कि मैं खुद को संभाल सकूं। अचानक हलचल से वह अपना बैलेंस खो बैठी, जिससे मैं उसकी थाई को और मजबूती से पकड़ा था कि वह गिर न जाए। उसने कहा, माफ करना, मैं भारी हूँ, मेरा लगभग हो गया है। जब उसने किताब ढूंढ ली तो मुझसे कहा, मुझे मिल गया है। अनिच्छा के साथ मैंने धीरे धीरे उसे नीचे उतारा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की, मैं इसकी सराहना करती हूँ, तुम अब अपना काम कर सकते हो। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और मैं खड़ा खड़ा समझने की कोशिश करने लगा जो अभी हुआ था। जब से यह कमरे में आई थी, मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैं खुद को समझाने लगा, मैं नर्वस था क्योंकि वह गिर न जाए, पर मेरा दिमाग से आवाज आने लगी, मैं गलत हूँ। कहानी लीली की जुबानी। कल वह किताब गलत थी। मुझे आदित्य के सामने कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, यह सोचकर कि मैं काफी भारी हूँ। जो किताब हाथ में आया मैंने उसे ले लिया था, पर वह गलत किताब थी। आज मैं बहुत परेशान थी, इसलिए कॉलेज की लाइब्रेरी में आ गई। मैं यहाँ वह किताब ढूंढ रही थी पर काफी ऊपर था। काश मैं थोड़ी लंबी होती। लेकिन जैसे ही मैंने किसी तरीके से किताब निकाला, वो मेरे हाथ से गिरने वाला था। अचानक किसी ने किताब पकड़ ली। वो हल्का सा मुंह दबाकर हंसता हुआ कहा, यह लो तुम्हारी किताब। और फिर मुझे पता चला कि जो किताब मैं ढूंढ रही थी उस लड़के ने इशू करवा रखा था। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सकता हूँ। मैंने यह किताब पढ़ ली है। मैं अवाक होकर उसे देखने लगी। यह मुझे पढ़ाना चाहता है? मैंने कहा, क्यों नहीं, अच्छा रहेगा। उसके चेहरे पर एक लड़कों वाली मुस्कान आ गई। हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं काई हूँ, और इससे पहले कि मैं अपना परिचय कराती, उसने आगे जोड़ा, तुमसे मिलकर बेहद अच्छा लगा लिली। मुझे हैरत हुई कि यह लड़का पूरी यूनिवर्सिटी में फेमस है, जहाँ मैं एकदम नई हूँ, फिर भी यह मेरा नाम जानता है। जब मैं उससे हाथ मिलाया, मेरे अंदर सनसनी पैदा होने लगे। कहानी आदित्य की जुबानी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा। उसने कहा, हाँ, शादी के मंडप में मिलेंगे। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ जो अपने प्यार आज हासिल करने वाला है। प्यार के बारे में मुझे बहुत छोटे में ही पता लग गया था, जब मेरे डैड ने मेरी माँ के लिए 7 साल इंतजार किया था। तभी से मैं जानता था मैं भी अपनी औरत से ऐसे ही प्यार करूँगा। मुझे औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में दिलचस्पी नहीं थी, मेरे लिए सिर्फ सनाया थी, मेरा पहला प्यार, मेरा पहले गर्लफ्रेंड। और आज शादी के दिन मैं उसका इंतजार कर रहा था। मेरे अंदर निराशा छाने लगी जब मंडप तक नहीं पहुंची। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। उसे ढूंढते ढूंढते मैं कमरे में पहुंचा। मेरा दिल कह रहा था, दरवाजा मत खोलो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे पक्के दोस्त की आवाज आई, मुझे दिखाओ तुम मुझे कितना चाहती हो, मुझे दिखाओ। एक औरत की सुखद सिसकी की आवाज निकली, अर्जुन। उसके आवाज मेरे दिल के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे, क्योंकि मुझे पता है वह कौन थी। मत रुको, वह भीख मांगने लगी, मत रुको। तो बोलो तुम मेरी हो सनाया, अर्जुन ने कहा, बताओ मुझे तुम किसकी हो। मैं तुम्हारी हूँ, उसको पकड़कर कहा, मैं हमेशा से तुम्हारी हूँ। मेरी पूरी दुनिया यह सुनकर मेरे सामने टूटने लगी थी। मेरा दिल इतनी बुरी तरीके से कभी कुचला नहीं गया था। काश मेरे सिने में दिल ही नहीं होता। मेरी होने वाली पत्नी और मेरा पक्का दोस्त, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मुझे कोई उठाओ। मुझे पता है यह बुरा सपना है। आदित्य, एक तेज आवाज मेरे कानों में आई। मैं उठकर सोफे में बैठ गया। मुझे याद है मैं न्यूज देखते देखते सो गया था। अब अशोक यादव जी, घर के नौकर चाकर सब आ गए थे। मैंने अपने बुरे सपने से पूरे पेंट हाउस को जगा दिया है। कहानी लिली की जुबानी। आदित्य अभी भी जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने मेरे बाजू को इतना तेज पकड़ा था कि मुझे दर्द होने लगा था। जब उसे इसका एहसास हुआ, उसने तुरंत मेरे बाजू को छोड़ दिया। अशोक ने कहा, फिर से बुरा सपना? यह सपना तुम्हारा पीछा अब भी नहीं छोड़ा। अब वक्त आ गया है कि डॉक्टर और थेरेपिस्ट से मिलो। यह सब क्या है, मैं सोचने लगी, डॉक्टर, थेरेपिस्ट, ये सपने? आदित्य ने कहा, नहीं। अशोक ने कहा कि अब तुम अपने साथ यह नहीं कर सकते। वक्त आ गया है कि तुम सनाया को भूल जाओ। मुझे एहसास हुआ वह दर्द अभी इसका पीछा नहीं छोड़ा। आदित्य, मैंने बका। उसने ऊपर देखा तो अगली बात मैं बोलने जा रही थी वह और बेवकूफी भरी थी। क्या तुम कुछ पीना चाहोगे, उसने ठंडे अंदाज से कहा। यहाँ से चली जाओ। और मेरा दिल डूबने लगा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी, जैसे मेरे अस्तित्व से ही वह चिड़चिड़ा हो रहा था। पूरे रूम में खामोशी थी। सब हैरान हो गए थे जो आदित्य ने मुझे अभी कहा। मैं उठकर वहां से खड़ी हो गई और कोशिश करने लगी कि यह ना दिखाऊं कि उसके बाद से मुझ पर कितना असर पड़ा है। पर मुझे बेहद रोने का मन कर रहा था। मैं अपने कमरे में जाने वाली थी, पीछे से यादव जी ने पुकारा, हॉट चॉकलेट। मैं हैरान रह गई।
उसकी ओर देखने लगी। यादव जी ने दोहराया, हॉट चॉकलेट से उसे आराम मिलेगा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उसे कैसे बनाना है। हम दोनों ने मिलकर बनाया और फिर उसने कहा, जाओ उसे आदित्य को देकर आओ। मैंने कहा, पर वह मुझे वहाँ नहीं चाहता है। यादव जी ने कहा, उसकी बातों को दिल से मत लगाओ, वह बस नहीं चाहता कि तुम उसके कमजोर पलों को देखो। मैंने पूछा, क्या आदित्य को ऐसे बुरे सपने आते रहते हैं? उसने कहा, अक्सर आते हैं। आदित्य को यह बहुत बड़ा झटका लगा था जब सनाया ने उसके दोस्त अर्जुन से स्विट्जरलैंड में शादी कर लिया और अपना घर बसा लिया। वह बहुत गलत है। आदित्य को आखिर इतना सब कुछ क्यों भुगतना पड़ा? जब मैं लिविंग रूम में आई, आदित्य वहीं पर बैठा हुआ था। मैं धीरे से आकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बनाया है। उसके साथ जल्दी से कहा, मुझे शायद अभी चलना चाहिए। जैसे ही मैं मुड़कर जाने वाली थी, मैंने अपनी कलाइयों में किसी का हाथ अनुभव किया। रुको, आदित्य ने कहा, इससे पहले मैंने जो कुछ भी कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। वह आंखों से भीख मांगने लगा और मैं उसके पास आकर बैठी, उसकी सारी बातों को सुनने लगी। मेरे दिल की गहराई में कुछ होने लगा था, पर यह इतना जटिल था कि मैं समझ नहीं सकती। कहानी आदित्य की जुबानी। मैं अपने दोस्त एलेक्स के साथ नाइट क्लब आया था। बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे। एलेक्स अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था। मैंने कहा, इसके सामने बिजनेस की बातें नहीं कर सकता। उसने कहा, बिजनेस बाद में भी हो सकता है, थोड़ा सा मस्ती कर लो, जिंदगी का पूरा जियो, कहकर उसने मुझे बियर पकड़ाया। मैंने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, लड़कियों को अंदर लाओ। दो लड़कियां मेरे पास आ गई। मेरे बिल्कुल करीब आकर कही, अपना कोट को उतार दीजिए, और उसके बाद मेरे हाथों को पकड़कर अपने शरीर की दिशा दिखाने लगी। जैसे ही मैंने उसके शरीर के नरम हिस्सों को छुआ, उसका मुलायम त्वचा जैसे मेरी त्वचा को जला रही थी। मेरे अंदर अंधेरा छाने लगा, यह काम नहीं कर रहा। मुझे पता है इन्हें यहाँ से अभी जाना होगा। कल नाइट क्लब में जो हुआ था उसके बाद मेरे लिए सही थेरेपी काम में डूबे रहना था। जब मैं घड़ी देखी तो डिनर का टाइम भी पार हो चुका था, और तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, उसने आगे जारी रखा, यह मेरी माँ की रेसिपी है, मैंने बनाई है। मुझे पता नहीं कैसे बना, पर यादव जी ने कहा यह अच्छा बना है, आदित्य को पसंद आएगा। मेरा दिल डूबने लगा। क्या यह मेरे लिए खाना बनाकर लाई है? क्या तुम, उसने बात को लंबा खींचा, भूखे हो? मैंने सोचा, हाँ मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे पेट से आवाज आ रही है। सिर्फ एक ही शब्द कह पाया, हाँ। मैंने खाने के लिए चम्मच उठाया और लिली उस यह देखने के लिए झुक गई कि मैं क्या कहता हूँ। इसका स्वाद बहुत अच्छा था, पर मेरा ध्यान इससे भटक रहा था कि लिली झुकी हुई है। अनजाने में ही वह अपने ढीले शर्ट के अंदर के नज़ारे का दीदार करा रही थी। मैं मन में सोचा, लिली मत झुको। मेरे चम्मच पर पकड़ मजबूत हो गई। मैं खुद को काबू करने की कोशिश करने लगा, पर यह नज़ारा कुछ ज्यादा ही हो गया था। जब मैं खाकर ऊपर देखा तो देखा लिली मेरी ओर देख रही थी। उसके आंखों में उम्मीद लिए और थोड़ी सी घबराहट लिए। पूछी, कैसे बना है? मैंने कहा, बहुत अच्छा बना है। इससे पहले कि वह मुझे एक मुस्कान देती, उसके गाल ब्लश करने लगे। ठीक है, फिर तुम अपना डिनर करो, यह कहते हुए वह कमरे से बाहर चली गई। मुझे कुछ सेकेंड लगे यह समझने में कि क्या हुआ अभी, इससे पहले कि मेरा ध्यान मेरी जांघ के बीच में जाता। शिट, मैं कड़क हो गया था। कहानी लिली की जुबानी। मैं कुछ किताब पढ़ रही थी, तभी यादव जी ने बताया डिनर तैयार हो गया है। मैंने यादव जी से पूछा, आदित्य कहाँ है? उसने कहा, उसे यहाँ होना चाहिए था। कहा था वह डिनर हमारे साथ ही करेगा। अब मैं उसे ढूंढने लगी। मुझे लगा शायद अपने ऑफिस में होगा। लाइब्रेरी की ओर बढ़ी तो देखा उसकी टेबल खाली थी। मैं यह जानने के लिए उत्सुक थी क्या वह पेंटिंग कर रहा है। काफ़ी उत्सुकता के साथ मैं उसके पेंटिंग रूम में गई और सोचा उसकी पेंटिंग देखती हूँ। मैं वहाँ अंदर पेंटिंग देखने लगी। न्यूयॉर्क के उसके घर की पेंटिंग बनी हुई थी, जो कि काफ़ी बड़ा था। शायद उसने यह पेंटिंग सालों पहले बनाया होगा। वहाँ कुछ मिट्टी के पॉट रखे थे, उसमें से एक ने मेरा ध्यान खींचा, जो सबसे अलग लग रहा था। जब मैं उसके करीब आई, मुझे यह कुछ अलग लगा, उसके अंदर कुछ था। मैं हाथ डालकर उसे निकालने लगी, पर वह वास की ओपनिंग इतनी छोटी थी कि मेरे हाथ में नहीं पहुंच पा रही थी। मैंने सोचा दूसरों की चीज़ को यूं हाथ नहीं लगाना चाहिए। जब मैं वापस रखने ही जा रही थी, वह वास दूसरे वास से टकराई। मैं इसे संभालने गई कि मेरे हाथ से छूट गई और आवाज़ इतनी तेज थी, आसपास से जरूर लोग आ जाएंगे मेरी बेवकूफ़ी को देखने के लिए। इस झटके से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हाथ कांपने लगे।
और अब यह पॉट टूट गई थी तो मैं अंदर क्या है देख सकती थी। बर्थडे कार्ड है, हैप्पी बर्थडे माई लव। भले ही पॉट अच्छी नहीं बनी है पर मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है। आई लव यू सनाया। मैं बिल्कुल जम गई, मन कर रहा था कहीं गायब हो जाऊं। उसकी ओर से एक तोहफा था जिसे मैंने नष्ट कर दिया। क्यों मैं हमेशा यूं परेशानी खड़ी कर देती हूं? तुम यहां क्या कर रही हो? मेरा दिल लगभग रुक गया जब दरवाजा खुला और सामने आदित्य खड़ा था। मेरा पेट घबराहट से कुलबुलाने लगा। तुम यहाँ क्यों हो जबकि मैंने साफ साफ बता दिया था तुम यहाँ नहीं आ सकती? उसने दांत दबाते हुए मुझसे पूछा। मैं अपना सिर हिलाने लगी, गले की गांठ महसूस करने लगी। मुझे याद है उसने कहा था उसके घर में एक कमरा है, मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि वह यह कमरा है। क्या अशोक ने तुम्हें नहीं बताया था कि इस कमरे से दूर रहना? जब मैं चुप रह गई और मेरे चेहरे में अचरज था वह समझ गया कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं था। कहा तो उसने नहीं बताया, फिर धीरे से कहा मैं उससे बात करूंगा। जब आदित्य झुककर उसे साफ करने लगा मैंने कहा मुझे करने दो। वह मेरी तरफ देखा और कहा जाओ। लगभग मेरे आंखों में आंसू थे, कहा अभी। इस हादसे के बाद किसी तरीके से मैं सो गई थी। जब सुबह उठी मेरा दिल काफी भारी था। जब अशोक की नजर मुझ पर पड़ी कहा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें उस कमरे के बारे में बताना भूल गया था। मैंने पूछा क्या आदित्य ने तुमसे बात की? कॉफी पीते हुए बोला हाँ की। मैंने पूछा क्या वह गुस्सा नहीं है? उसने कहा हाँ हाँ बहुत गुस्सा है। मैं थोड़ा रुक कर कहा क्या सब कुछ ठीक है? उसने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वह मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं उसके लिए नहीं बल्कि उसके डैड के लिए काम करता हूँ। उसके डैड ने मुझे उसकी मदद के लिए यहाँ लगाया है। मैंने पूछा पर वह पेंटिंग रूम, उसमें जाना मना क्यों है? उसने कहा उस कमरे में उसने अपनी भावनाओं को पेंटिंग में डाला है। मैंने पूछा पर क्या यह अच्छी बात नहीं है? उसने कहा पर वह अब पेंट नहीं करता। मैं आश्चर्य रह गई। मैंने कहा क्या? उसने कहा 2 साल से जब से सनाया उसे छोड़कर चली गई है उसने पेंट ब्रश को हाथ नहीं लगाया क्योंकि अब वह महसूस नहीं करना चाहता। जब यह न्यूयॉर्क से यहाँ सिएटल में शिफ्ट हुआ आर्ट रूम नहीं बनाना चाहता था पर उसके पापा के कहने पर आर्ट रूम बनाया गया और न्यूयॉर्क की सारी पेंटिंग्स उन्होंने यहाँ भेज दी। और जो न्यूयॉर्क का घर पेंट किया हुआ है वह लूना ने भेजा था क्योंकि वह अपने भाई को मिस करती है, वह चाहती है उसका भाई वापस चला आए। अब आदित्य पेंट रूम में इसलिए जाता था क्योंकि वह बस पॉट को देखता था जो कल तुमने तोड़ डाला। वह पॉट उसे धोखे का याद दिलाता है जो सनाया ने और उसके दोस्त ने उसे दिया था। उसे याद दिलाता है कि सनाया का प्यार झूठा था। अब मैं कांपते हुए आवाज में पूछी अगर वह पॉट को इतनी घृणा करता है तो उसे कमरे में रखा ही क्यों है? अशोक ने बताया उसका अपना काम है, जब भी वह कुछ पेंट करने के लिए पेंट ब्रश उठाता है तो सनाया का पॉट उसे पेंट करने से रोक लेता है। अब आंसू से मेरी आंखें धुंधली हो गई थी। अशोक ने वाक्य पूरा किया क्योंकि वह फील नहीं करना चाहता। पर अब यह कहानी सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि चाहे आदित्य कितना भी गुस्सा क्यों ना हो पर वह पॉट तोड़कर मैंने अच्छा किया ताकि आदित्य दोबारा पेंट कर सके। आखिर आदित्य की समस्या क्या है? क्या लिली उसके दिल की गहराइयों में डूब पाएगी? क्या दोबारा आदित्य कभी पेंट कर पाएगा? कैसे बताएगा वह लिली को अपने जज्बात? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। थैंक यू।